आपको दो तरीके से वीडियो को प्ले और पोस्ट कर सकते हो। एक क्या है, अपने पॉइंटर को यहाँ पे लाना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, तो क्या होगा, प्ले हो जाएगा। फिर इसी पे आप दोबारा पॉज करोगे, क्लिक करोगे, तो वीडियो पॉज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड है ना, वहाँ पे जो स्पेस बार बटन है, जो सबसे बड़ी की है, उसको एक बार प्रेस करोगे, प्रेस करो, महसूस कर रहे हैं वीडियो चलने लगेगा। इसी कक्षा में आपने जो उसी में दबाओगे वीडियो रुक जाएगा, ठीक है। करना क्या, कैसे रुकता है, कैसे प्ले करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको टाइमिंग देखना है, जब आप एक बार वीडियो प्ले कर दोगे तो आपको क्या देखना है, टाइमिंग देखना है। टाइमिंग जैसे वीडियो चलते जाएगा, टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखाते जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि कितना टाइम हो रहा है वीडियो का। दूसरा यहाँ पे सीख पा रही, तो इसे आप कर सकते, यहाँ पे लाओ पॉइंटर लाओ, हाँ, जब आप आगे ऐसे करते जाओगे करते जाओ, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहे हैं, वापिस लाओगे इसको कम होता जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी बोलूंगा वीडियो रोकना है, आप पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाओगे और लेफ्ट बटन दबा दोगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वीडियो की टाइमिंग 10 मिनट, करेक्ट 10 मिनट, कोई एक दो सेकंड का बात है, 10 मिनट आ गया। अब वीडियो को यहीं से प्ले करना है, 10 मिनट से प्ले करना है, तो क्या करेंगे, जैसे कि इस तरह का इमेज बन जाएगा, यहाँ से प्ले हो गया, वीडियो को रोकना है, फिर क्लिक करना है, प्ले हो गया। वीडियो की टाइमिंग 20 मिनट, इस तरीके से आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। मान लो कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज, कोई ड्राइंग समझ में नहीं आया बच्चों को, तो बच्चे बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा पीछे करके उनको दिखाओगे कि यहाँ से फिर से बनाओ। अगर आपको लगता है कि बच्चों को आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो कि जैसे पेज की फाइल को ओपन करना बता रहे हैं, उन्होंने एक दो टाइम उन्होंने सीख लिया कि उनको पेज की फाइल ओपन करना अच्छे से आ गया, तो आप क्या चाहते हो कि 2 मिनट की टाइम वेस्ट ना करके आप 2 मिनट आगे कर सकते हो इस तरीके से। आगे अब आपको स्टार्टिंग से प्ले करना है, ठीक है, वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है सर। अगर आप मैनुअल कर सकते हो, लाइट एक्चुअली हाथ बैठ जाएगा।